वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मेरी भाभी आने वाली है, यानी कि भाई की दुल्हन आने वाली है। आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। कुछ ही देर में मेरी भाभी आने वाली है और सारे लोग तैयार हो चुके हैं, और अगल बगल से जो आवाजें आ रही है ना, वो मेरी बड़ी मम्मी लोग की हैं, जो आपस में बातें कर रही हैं। बक्सर में दुल्हन पहुंच गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं उनको लेकर के आने के लिए। फिर उसके बाद जो भी रस्म होता है सारा चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और आप लोग को राज की बात बताऊं, मेरी दीदी ना अभी तक तैयार नहीं हुई है। इसका हल्दी और शादी के दिन भी यही हाल था, और आज दुल्हन आ रही है ना, अभी भी यही हाल है। आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए आप लोग दुल्हन पहुँचने और अभी मुंह धो रही है। पता है किस लिए? क्योंकि सभी लोग वीडियो मेरा देखेंगे, वीडियो देखेंगे ना, बाप रे बोले कितनी इसकी बहन काम करती है ना, बेचारी को फुर्सत ही नहीं मिला तैयार होने के लिए। और इसी चक्कर में ना बेचारी ऐसे ही रह जाती है, बिना कुछ पहने उन्हें जैसे रहती है वैसे चल देती है बेचारी। अपने बड़ाई के चक्कर में अभी तक कपड़ा नहीं पहने। और आप लोग को दिखाऊं, बड़ी मम्मी देखो कितना अच्छा से तैयार होकर के बैठी है। कैसे बहू आए और बहू के आते ही है जो ना जोरदार स्वागत करने का एकदम व्यवस्था बना रखी है, विधि पूर्वक एकदम। और इतनी खुश है ना भैया, तैयार हो करके वेट कर रहे हैं। दुल्हन जैसे ही आए वैसे ही सारे लोग जाएं। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, सारे लोग तैयार हो चुके हैं। अब तो ये भी तैयार हो गई हैं। यहाँ पे मम्मी है, देखा लोग बड़की मम्मी के आवे ले, पहले पानी पी ले, पता ना पतो ही लगे बात का तना पानी। यहाँ ले ले 50 रुपया रहुआ के नू बारातवा के दिल दे दे ले बनी। यहाँ ले हो, देख ले, देख लो जा रहे हैं। देखिए गाड़ी पे सामान आ गया है और अभी अभी दुल्हन उतरने वाली है, तो उनको उतारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस गली में 4-व्हीलर नहीं आ सकता। यहाँ पे आ गई है मेरी भाभी, बहने गोडिंग करते ना, बहने बनू पहले हाई पैर, हाई पैर गहरी मिट्टी है। चश्मा पहन के उछल तक घर से बाहर ही चश्मा पहन के निकल। तो लो जी, इंतजार खत्म हो गई और आ गई भाभी अपने ससुराल में, और भाभी को यहाँ पे उतारा जा रहा है। आप लोग को बता दूं कि यहाँ के बाद ना इस गली में असवारी जाता है और ना ही 4-व्हीलर। तो अभी ना बुलेट आया भाभी को ले जाने के लिए, और भाभी मेरी ना बहुत हल्की है, बहुत पतली है, तो दीदी तो उठा करके बाइक पे बैठा नहीं। हम लोग को इतना हंसी आया, जीजा जी तो मजाक उड़ाने लगे, हाँ तुम लोग मोटे मोटे रह करके करोगी क्या, गोदी में उठा करके बैठा दो फट से। तो सच है कि गंगा दी की लड़की से भी ज़्यादा हल्की है मेरी भाभी, तो दीदी ने उठा करके बस बैठा ही दिया। जीजा जी ने ललका दिया और दीदी ने बैठा दिया। तो अभी ना इनको ले जाएंगे हम लोग बाइक पे ही बैठा करके इस गली से अपने दरवाजे पे। क्या है ना कि यहाँ पे जिसकी भी बहू आती है या जिसका भी दामाद आता है उसका यही हाल होता है, बाइक से ही लोग जाते हैं, चाहे द्वार पूजा हो या बहू का आगमन हो, गृह प्रवेश हो, तो जो कुछ भी होता है सब बाइक से ही होता है, क्योंकि असवारी भी नहीं जा सकता है। असवारी यानी कि पालकी, पालकी भी जाता तो चलो मतलब समझ में आता, पालकी भी नहीं जा सकता। देखिए आगे से एक औरत आ रही है, वो निकली तब जाकर के गाड़ी गया। इस गली में एक बाइक यदि घुस जाती है दूसरा को वेट करना पड़ता है कि हाँ वो चले जाए तो हम पास हो। इतनी पतली गली है, तो बस बाइक पर बैठा करके भाभी को ले जा रहे हैं अपने दरवाजे तक। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हमें लग रहा है कि आप लोग ऐसा इंट्री कभी नहीं देखे होंगे बहू की, जो कि बाइक से जाए और बाइक से ही परछावन होगा जो भी होगा,
वो आप लोग को देखने को मिले। तो इतना मुश्किल के बाद भाभी पहुंचने वाली है घर, और यहाँ पे पूजा भाभी वेट कर रही हैं। हम लोग बाइक पे बैठा करके भाभी को ला दिए उनके ससुराल में। हम लोग का जो फर्ज था वो हमने पूरा किया, भाभी को उनके ससुराल तक पहुंचा दिया। तो अभी ना भाभी की होने वाली है गृह प्रवेश, तो अभी ना इनको ले जाएंगे हम लोग आंगन में, बैठाएंगे चेयर पर, क्योंकि पालकी तो है नहीं तो चेयर पे ही बैठाना पड़ेगा ना। तो पहले से ही चेयर लगा करके गए थे क्योंकि यहीं पे दुल्हा दुल्हन का जो भी होता है रस्म होगा, तो एक तरफ भैया बैठेंगे एक तरफ भाभी बैठेंगी। और ना ये मर्याद रख करके आई हैं भाभी, एक दिन बाद आई हैं, एक दिन बारात इधर से गया था जो ना वो रुक गया था वहाँ पे, उसके बाद भाभी आई एक दिन बाद, तो अभी वहीं रस्म होने वाला है। अच्छा, एक दिन बाद दुल्हन आने का कारण ये भी है ना कि क्योंकि सुबह में जो बारात का सुबह था ना उस दिन मान था, उनका भी था, हमारे यहाँ का भी था, तो इसलिए भाभी उस दिन नहीं आ पाई थी। मान कुल माने सब बढ़ा करके तभी कुछ काम होता है, तो इसलिए भाभी के लिए मर्याद रखा गया था। तो उसके बाद भाभी आई एक दिन बाद, तो अभी वहीं सारे रस्म हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ना ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बबुआ झूठा बचना जानी बोला हो, बबुआ पासी बबुआ ई हे खोइला ससुर रिया मुगुसला मुगुसला।
अपन मुड़िया घुसाला गोतनी आई दोहरी टिक दिया नाक पसे घोड़ा वाले ले सी मारा पापा ओई रे ले सा तो वाले ले दी पापा दूला हाय ओई रे पूजा भाभी आई तनी को ढेरे क दियो पिया से घोड़ा वाले ले डरी ले डरी।